नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन वर्क यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और किसी भी दोस्त को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो इस तरह की आ जाता है, किसी भी तरह का क्रॉस का निशान नहीं आता है, आपका मैसेज पेंडिंग में चला जाता है, मैसेज नहीं जाता है। तो इसके सॉल्यूशन में बताऊँगा क्या प्रोसेस है, इसका सॉल्यूशन क्यों क्यों ये प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम बताते हैं क्या हमें करना है। तो दोस्तों, हमें चलना होगा सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में। तो हम चलते हैं व्हाट्सएप में और सबसे ऊपर थ्री डॉट देख रहे हैं, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ आप देख रहे हैं चैट का ऑप्शन, तो हमें चैट पे क्लिक करना है। तो हम चलते हैं चैट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे चैट पे क्लिक करते हैं, चैट पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है ये हमें देखना है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप चैट बैकअप नीचे ये देख रहे हैं चैट बैकअप, तो हमें चैट बैकअप पे उंगली से अपने क्लिक करना है और इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे हमें बैकअप पे क्लिक करना है। तो बैकअप पे हम चलते हैं, बैकअप करते हैं। बैकअप करेंगे तो इस तरह से ये हमारी बैकअप हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम देख रहे हैं अब हमें हमें बैक जाना है। बैक जैसे जाएंगे तो चलिए हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अब हमें अपने व्हाट्सएप को व्हाट्सएप को ये देखिए ऐप इन्फो में जाना है। तो हम चलते हैं ऐप इन्फो में। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं क्लियर डाटा, ये क्लियर डाटा पे हम क्लिक करेंगे और ऊपर देख रहे हैं क्लियर ऑल डाटा, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करते हैं और इसके बाद देख रहे हैं डिलीट ऑल डाटा, तो हमारी व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए हम इस पर ओके क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखिए अब हम बैक जाएंगे, बैक जाएंगे। तो चलिए हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब हम अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे और इसके बाद अब हमें क्या करना है अपना मोबाइल नंबर जो है, ये हमारी व्हाट्सएप डिलीट हो चुकी है, अब हमें क्या करना है अपना मोबाइल नंबर इसमें हमें डाल देना है। तो हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालते हैं अपना जो मोबाइल नंबर है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये वेरीफाई लेगा, इस पर एक SMS आएगा तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा SMS का। ये देखिए ये वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाई ऑटो वेरीफाई। इसके बाद हमें क्या करना है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद फिर से अलाउ पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है रीस्टोर या स्किप, तो आप रीस्टोर करेंगे तो आपकी सारा जो उस व्हाट्सएप में होगा वो आ जाएगा सारी चीज़ें। तो रीस्टोर पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ टाइम लगेगा तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि हमारी जो फ़ोटो थी उस व्हाट्सएप में इसमें भी आ चुकी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं। नाम लिखने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए ये प्लीज़ वेट, इसके बाद यहाँ पे हमें नेवर कर देना है। इसके बाद हम चलिए हम देखते हैं मैसेज सेंड करके हम, तो ये देखिए ये मैसेज जा चुकी हैं आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी व्हाट्सएप में जो मैसेज नहीं जाती है, पेंडिंग हो जाती है, इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रोसेस है इसकी सॉल्व करने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।